आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के बारे में। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग कैसे वर्क करती है? तो जैसे कि इसका नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, इसके अंदर हम हाइड्रोजन के एटम का यूज करके हीट को लिबरेट करेंगे और इसमें आर्क की भी हम हेल्प लेंगे, जिससे हमारा वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट होगा। तो देखते हैं कि ये कैसे और क्या होती है। आर्क हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं टू नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में। जैसे कि हम ओर वेल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक वर्कपीस लेते हैं, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में क्या है, हम दो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड लेंगे जो कंज्यूम नहीं होते। उन दोनों के बीच में उनके कॉन्टेक्ट से उनके जब हम उनको एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो आर्क क्रिएट होगी। तो हम दो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके चारों तरफ होगी शील्डिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो उसको कवर करेगी उस आर्क को। तो ये चीज एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के अंदर हम करते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। हमारे पास दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होंगे जिनके कॉन्टेक्ट से हम आर्क को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा है वर्कपीस, जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करना है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस सिलेंडर। हमें इसके अंदर एक गैस सिलेंडर चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। और चौथा है एसी पावर सप्लाई। इसके अंदर हम ज्यादातर एसी पावर सप्लाई का ही यूज करते हैं। तो देखते हैं इसकी डायग्राम और समझते हैं इनके पार्ट्स को। तो एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के अंदर हमारे पास दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल नेचर के हैं, ये कंज्यूम नहीं होते। ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर से अटैच, यहां हमारी शील्ड होती है जो इन इलेक्ट्रोड होल्डर से अटैच होती है। यहां पे पावर सप्लाई होती है जो एसी पावर सप्लाई से ये जो हैंड शील्ड है जिसको हम हाथ से पकड़ के वेल्डिंग करते हैं, इसके अंदर मैकेनिज्म होता है कि वो एसी पावर सप्लाई से वायर के थ्रू कनेक्ट होती है। ये हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर हैं जो हमारे जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं इनको होल्ड करेंगे, ये इलेक्ट्रोड होल्डर हैं। और दो वर्कपीस की प्लेट्स हैं अलग अलग जिनके बीच में हमें वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करना है और इन दोनों को हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है वेल्डिंग की हेल्प से। हमारे पास हाइड्रोजन गैस का ये सिलेंडर है, हाइड्रोजन गैस सिलेंडर। इसके ऊपर यहाँ पे लगा है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व जो कि हमें गैस का प्रेशर बताता रहेगा। ये हमारा कनेक्ट है इस इलेक्ट्रोड जो हमारा हैंडल है इससे कनेक्ट है, जिसके अंदर ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये पाइप के थ्रू इनसे कनेक्ट है ताकि जो हाइड्रोजन गैस है वो इनके अंदर से पास कर सके। तो क्या होगा, हम जब एसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं टंगस्टन, जब ये थोड़े पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में एक आर्क क्रिएट होगी, ये इस तरह की आर्क क्रिएट होगी। लेकिन जो ये हाइड्रोजन गैस सप्लाई है वो भी इसको गैस सप्लाई करेगा और जो हमारी एक शील्डिंग गैस है वो हाइड्रोजन की शील्डिंग हमें प्रोवाइड करेगी। इस सिलेंडर के थ्रू ये पाइप से जाएगी और यहाँ पे ये शील्डिंग हमें प्रोवाइड करेगी हाइड्रोजन गैस की। तो ये आर्क है और ये शील्डिंग गैस है। लेकिन जैसे ही ये आर्क इसके कॉन्टेक्ट में आएगी जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है ये डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो सिंगल आयन के अंदर टूट जाएगी, H पॉजिटिव सिंगल आयन में, क्योंकि जब ये 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट लेती है हाइड्रोजन गैस तो वो डीआयोनाइज हो जाएगी और दो मतलब सिंगल सिंगल एटम में टूट जाएगी, H पॉजिटिव H2 से। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन दोबारा इस वर्क पीस के पास आएंगे तो वो कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ठंडे होते ही वो आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही दो H पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे तो एकदम से बहुत सारी हीट लिबरेट होगी, जिससे कि फ्यूजन जॉइंट हमारा ये क्रिएट हो जाएगा।
तो यहाँ पे वर्क पीस के बीच में मोल्टन पूल हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट पैदा कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो H2 गैस है वो डीआयोनाइज हो जाएगी H पॉजिटिव आयन में। फिर जब वो वर्क पीस से टकराएगी तो वो थोड़ा कूल हो जाएगी, और कूल होते ही वो दोनों कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। कंबाइन होते ही वो एकदम से हीट को लिबरेट करेंगे, और उस हीट का यूज हम करेंगे इस वेल्डिंग ज्वाइंट को क्रिएट करने के लिए। तो यह है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।